भारतीय महिला हॉकी टीम ने यादगार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सोमवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने वर्ल्ड नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। जीत की नायिका गोलकीपर सविता पुनिया रही, जिन्होंने कुल 9 बेहतरीन बचाव किए। वहीं भारत के लिए एकमात्र और निर्णायक गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिसने जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय पुरुष टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। पहले क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ बेहतरीन मौके बनाए, लेकिन वह गोल नहीं कर सके। खेल के 9वें मिनट में वंदना कटियार का शॉट पोस्ट पर लगते हुए बाहर निकल गया। ऑस्ट्रेलिया के पास भी गोल करने के मौके थे, लेकिन भारतीय डिफेंस को वह भेद नहीं पाए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है, पहली बार हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। 130 करोड़ लोग देश की महिला हॉकी टीम के साथ है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई है और उन्होंने लिखा है नाज है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर महिला टीम को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।